कोफ्ता बनाने के लिए ये बैंगन को मैंने बीच में से काट लिया है। अब इसमें मैं लगभग 2-3 लहसुन लगा दूंगी और इनको हम भून लेंगे। ये लहसुन की कलियां लगा के भूनने चढ़ा दिए हैं धीमी आंच पे। मैं भरता बघार रही हूँ तो मैं ले रही हूँ सबसे पहले जीरा, प्याज, हरी मिर्च, प्याज हमारी भुन गई है। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ टमाटर, यहीं पे मैं डाल रही हूँ मटर। ये मैंने किसा हुआ अदरक लिया है, सबको अच्छे से भुनने देंगे। ठंड में हम मटर डाल के बैंगन का भरता बनाएंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। देखिए टमाटर और मटर अच्छे से हो गए हैं। मैंने हींग पहले नहीं डाली थी इसलिए अब मैं हींग डाल रही हूँ। हमारे इस तरह की हींग आती है, ये बहुत प्योर हींग रहती है, इसको पानी में गला के उपयोग करना चाहिए। तो जल्दी में हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं, तो मैं थोड़ी सी हींग डाल रही हूँ। बहुत तेज़ हींग रहती है इसलिए पानी में घोल कर ही उपयोग करना चाहिए, नहीं तो फिर थोड़े से टुकड़े कर लेना चाहिए। मैंने इसको थोड़ा सा टुकड़ा कर लिया है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ हल्दी, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, ये बैंगन मैंने आपको दिखाया था रात में, मैंने लहसुन डाल के इनको भुना था। देखिए लहसुन ये डली है, इसको हम अच्छे से, देखिए कितने अच्छे से मैश हो जा रही है, इसको इसी में मैश कर लेंगे। हमारे यहाँ बैंगन को देसी भाषा में भटे बोलते हैं, भटा, भटे का भरता बोलते हैं हमारे यहाँ, बैंगन का भरता नहीं बोलते हैं, बोलते हैं आज हमारे यहाँ भटे की सब्जी बनी है, आज भटे का भरता बनाया है, ऐसे भाषा बोलते हैं हमारे यहाँ। हम लोग बुंदेलखंड के हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं भटे का भरता और बाटी, बाटी भी नहीं बोलते, वो जो बाटी होती है ना सब लोग बाटी बोलते हैं, हमारे यहाँ उसको शुद्ध देशी भाषा में बोलते हैं गाकड़। और लोग और शुद्ध भाषा बोलते हैं तो बोलते हैं गकड़ियाँ, हमारे यहाँ बोलते हैं आज हमारा गाकड़ और भरता बना है। दाल बने ना बने भरता और गाकड़ बहुत ज़रूरी रहती बाटी, उसको हमारे यहाँ बिल्कुल प्योर तरीके से बनाया जाता है गाय के जो कंडे होते हैं गाय के गोबर के, उससे लोग उसको उपले कहते हैं, हमारे यहाँ उनको कंडा कहते हैं। ये देखिए अच्छे से भुन गया है भरता। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ गरम मसाला, इसको भी अच्छे से मिला लिया। अब तो मेन इंग्रेडिएंट बचा है दोस्तों, आप तो समझ ही गए होंगे, नमक शमक तो डाला ही नहीं है। यहाँ डाला है नमक शमक, नमक शमक को मिला लेंगे। ये वाला भरता बाटी के साथ ना खा के आप रोटी के साथ खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगा। हमारे यहाँ जो बाटी के साथ भरता बनता है ना वो बिल्कुल सादा बनता है, उसको हम लोग भाटे को भूंज लेते हैं, आलू उबाल लेते हैं, टमाटर को भूंज लेते हैं, सबको अच्छे से मैश करके उसमें हरी धनिया, हरी मिर्ची, नमक मिला लेते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। बस एक बार आपको पूरी रेसिपी दिखानी है। अब हम डालेंगे यहाँ पर स्वादानुसार धनिया या इच्छानुसार धनिया। ये बन गया हमारा टेस्टी भरता। ऐसा भरता बनाइए, रोटी के साथ खाइए, जिसको भूख कम लगती है वो एक नहीं दो चपाती खाइए।
ऐसा भरता तो सबको पसंद आएगा दोस्तों। लीजिए तैयार है हमारा स्वादिष्ट भरता। लीजिए दोस्तों तैयार है हमारा गर्मा गर्म सर्दियों वाला मटर का भरता।